नमस्कार, आप देख रहे हैं WNT न्यूज में हूँ आपके साथ आरती भाई। देश में कोरोना का ग्राफ नीचे होता हुआ नजर आ रहा है। बीते 24 घंटे में 27,000 के पार मामले सामने आए। वही वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश में पिछले 24 घंटे में 27,254 नए मरीज मिले, 219 की मौत। देश में अब तक 74 करोड़ लोगों को लगी वैक्सीन। बीते दिन 53,38,000 लगाए गए टीके। केरल में वायरस का खतरा बरकरार। बीते दिन आए 20,240 नए केस, 67 लोगों ने गवाई जान। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी। 3,623 नए मामले आए सामने, 46 लोगों ने तोड़ा दम। असम में 24 घंटे में आए संक्रमण के 259 केस। 24 घंटे में प्रदेश में 11 लोगों ने तोड़ा दम। आंध्र प्रदेश में कोविड 19 का क्या है, बीते दिन 1,226 मरीज मिले, 11 की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22 नए मामले आए सामने, लगातार 5वें दिन नहीं हुई किसी की मौत। पश्चिम बंगाल में अब तक 15 लाख के पार केस। बीते दिन आए 757 नए कोरोना केस। उत्तराखंड में कोरोना के रविवार को मिले 12 नए मामले, एक भी मरीज की मौत नहीं। यूपी में अब तक 17 लाख के पार लोग संक्रमित। 24 घंटे में मिले 19 नए पॉजिटिव मामले। तेलंगाना का वैक्सीनेशन पर जोर, रोजाना 3 लाख टीकाकरण का टारगेट। महाराष्ट्र से चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने। गर्भवती महिलाओं में से सिर्फ 2% ने अब तक ली है कोरोना वैक्सीन। ताजा कोरोना अपडेट के लिए बने रहिए WNT के साथ। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिल सके।